पहाड़ प्राकृतिक संपदाओं का अनमोल भंडार है। प्रकृति ने हमेशा से पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की है। पहाड़ी लोग पानी के लिए हमेशा से ही प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये स्रोत लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे लोगों के सामने पानी का संकट आ खड़ा हुआ है। हमारा जो यहाँ पे जो पानी का मुख्यतः जो हमारे घरों तक पानी पहुँचता है, हम स्रोत के माध्यम अधिकतर स्रोत हैं, गांव के नज़दीक जितने स्रोत होते हैं उन्हीं स्रोतों से हम यहाँ पे पानी प्रयोग करते थे। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि स्रोतों का पानी बहुत घट रहा है, बहुत कई स्रोत बिल्कुल हमारे यहाँ पर सूख चुके हैं, जैसे कि पानी की समस्या तो हमारे यहाँ पर हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र नगर वन प्रभाग द्वारा हेमल नदी पुनरुत्थान परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें हेमल नदी और उससे जुड़ी कई धाराओं के जल स्तर को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। टेहरी जनपद वाटर क्राइसिस के दृष्टिकोण से उत्तराखंड में नंबर वन पे आता है। समर के समय, गर्मी के समय यहाँ बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है पानी की, किंतु यहाँ बहुत सारी ऐसी भी नदियाँ हैं जो फॉरेस्ट फेड हैं और बहुत सारे लोगों को पानी देती हैं। उन्हीं में से एक नदी है हेबल रिवर। इस रिवर का जब देखा कि ये दिन ब दिन सूखती जा रही है, तो इसको बचाने के लिए कवायद चालू की। इसमें हेबल रिवर के ओरिजिन से लेके और इसके जो एंड पॉइंट है पूरा रिवर को लिया है। तो ओरिजिन इसका सुरकुंडा मंदिर के पास, खुरेत के पास पुजाली गाँव है, वहाँ से है। और तकरीबन 50 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए इससे पुरी में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। परियोजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई है। इस परियोजना में चिन्हित जगहों पर चेक डैम, चहल, नौलाधारा बनाए जा रहे हैं, जिससे कि लुप्त हो चुके प्राकृतिक स्रोत दोबारा जागृत हो सके। चहलों का उद्देश्य है कि ये जलकुंड है, तो इसमें पानी इकट्ठा होगा, तो इसमें इकट्ठा होकर जो है आराम आराम से जमीन में रिसेगा, रिसने के बाद जो है ये स्रोतों को रिचार्ज करेगा। दूसरा हमारे ये तार जाल वाले चकड्याम लग रहे हैं, आर ड्राई वाले चकड्याम लग रहे हैं, ये जो है जमीन के कटाव के लिए रोकने के लिए लग रहे हैं। जैसे कि हमने ये लगा दिया तो इससे क्या होगा कि ये खाले का कटाव रोक देगा, और हमारे आर ड्राई, जैसे हमारे आर ड्राई लगे हुए हैं तो वो भी क्या करेंगे कि हमारे खाले के कटाव को रोकेंगे। और इस चहल से एक फ़ायदा हमारा ये भी है कि यहाँ पर जो है ग्रामीण बस्ती है, ग्रामीण बस्तियों के लिए जो यहाँ पे हमारे घोड़े खच्चर पानी पीते हैं, तो जंगली जानवर भी आते हैं, तो इन ग्रामीण लोगों के लिए भी जो है इसका फायदा होगा। और दूसरी बात, हमारा नीचे का स्रोत जो है वो रिचार्ज होगा और फिर हेमल नदी का जलस्तर भी बढ़ेगा धीरे धीरे। योजना का मुख्य उद्देश्य घाटी में हेमल नदी के जल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ इससे जुड़े प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण करना है। जो स्प्रिंग्स हैं, धारा हैं, उनको रिजोनेट करने के लिए एक विस्तृत काम चालू किया गया 2018 में। तो कुछ एनजीओ, जिसमें हिमोत्थान एक बहुत अच्छा एनजीओ है जो उत्तराखंड में काम कर रहा है, उसने हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी और गाइड किया, बहुत सारी स्टडीज में हेल्प की। तो उनके सहयोग से हमने नारायण नगर फॉरेस्ट डिवीजन की इन हाउस एक टीम का गठन किया गया, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, फील्ड स्तरीय स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। तत्पश्चात जो ट्रांजेक्ट बॉक है और जो एक एक स्प्रिंग का, एक एक धारा का आइडेंटिफिकेशन है और क्या काम किया जा सकता है, जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी है, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी है, इस रीजन का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, कितने लोग इस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कितना एग्रीकल्चर लैंड इसके अभी इरिगेशन के लिए पानी उपयोग करता है, ड्रिंकिंग वाटर कितने लोग करते हैं उपयोग, इन सारी डेटा का कलेक्शन किया गया। तत्पश्चात इसको जीआईएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एनालाइज किया गया, वेजिटेशन मैपिंग की गई और एक बहुआयामी एक्शन प्लान तैयार किया गया। पहला स्प्रिंग शेड में हमने 38 स्प्रिंग्स को आइडेंटिफाई किया और उनके जो रिचार्ज एरिया है, एक्वीफर कहाँ से पानी अंदर जा रहा है, उस पहाड़ी में डिप कहाँ है, ये आइडेंटिफाई किया गया। और तत्पश्चात क्या इंटरवेंशंस वहाँ की जा सकती है ये हमने तय की गई। इसमें जो जियो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स का हेल्प लिया गया है और आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर है डॉक्टर सुमित सेन, उनकी भी हेल्प ली गई हमने इसमें।
और जो वाटर डिस्चार्ज है कंटिन्यूसली 2018, 19 और 20 लीन पीरियड और जो पीक पीरियड है दोनों का कलेक्ट किया गया। तो उसी क्रम में स्प्रिंग का पूरा जो स्प्रिंग शेड है उसका पूरा एक प्लान बनाया गया। स्ट्रीम के माध्यम से पानी रिवर बेड तक पहुंच रहा है उसको भी हमने लिया है। तो स्ट्रीम इसमें दो प्रकार की हैं, एक तो पेरेनियल है जिसमें पानी जो स्प्रिंग से लगातार आता रहता है वो है, और कुछ स्ट्रीम ऐसी हैं जो केवल बरसात के दौरान रेनी सीजन में ही जिनमें पानी आता है। तो दोनों का हमने अलग अलग प्रकार से, क्योंकि उपयोग भी अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से हमने उसका ट्रीटमेंट का प्लान बनाया है। तो जो पेरिनियल रिवर हैं, पेरिनियल स्ट्रीम हैं, उनके पानी को स्टोर करके कंजर्व करके कैसे गांव वालों तक पहुंचाया जा सके ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए, इसकी एक कवायद की है। देन जो स्ट्रीम जिनमें पानी केवल बरसात के दौरान आता है, तो इरोजन एक बहुत बड़ा रीजन है, तो इरोजन को कंट्रोल करने के लिहाज से उसमें ट्रीटमेंट के उपाय सुझाए गए हैं। क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों पर लगभग 1,00,000 से ज़्यादा आबादी निर्भर करती है। नदियों के पुनर्जीवन के अंतर्गत हेमल नदी का के पुनर्जीवन प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में खुरेत से लेके जहाँ से उद्गम स्रोत है वहाँ से लेके और बेमंडा तक का क्षेत्र लिया गया है, जिसमें 16,180 हेक्टेयर क्षेत्र प्रवाहित होगा। इसमें 38 स्रोत तथा 15 खालों का चयन अब तक किया जा चुका है। वर्तमान में अन्य स्रोतों पर भी कार्य चल रहा है, 2021 में भी और कार्य हो रहे हैं। परीक्षण करने के उपरांत ये पाया गया है कि जो कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं उसमें जल स्रोतों में वृद्धि हुई है, जिससे हमारी ग्रामीणों को लाभ होगा। प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा पिछले 3 सालों से इस पर विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, हमारे विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से इसमें विस्तृत सर्वे किया गया। जितने भी इस प्रयोजन क्षेत्र के अंदर स्प्रिंग आते हैं उनका ट्रीटमेंट कर लक्ष्य रखा है। उसके बाद हमने इसमें स्ट्रीम का उसका मेंटेनेंस हम करेंगे, उसमें काम करेंगे, उसके बाद नदी क्षेत्र में इसमें हमने काम करना है। और इसमें हमारे जो स्टाफ है, क्षेत्रीय स्टाफ को हमने काफ़ी इसमें प्रशिक्षण दिया। छोटे छोटे जो जल स्रोत हैं उसका ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें स्टोन चेकडाम और पिरुल चेकडाम इसमें हम बनाने जा रहे हैं। बीच बीच में इसके अंतर्गत हमने 50 हेक्टर वृक्षारोपण इसी साल हम इसको करने जा रहे हैं। इसमें
इस रिवर का वाटर बहुत सारी पंपिंग योजनाएं ड्रिंकिंग वाटर की चल रही हैं, रानी चौरी, चंबा शहर, इन सब के लिए पानी इसी से जाता है। परियोजना के अंतर्गत अन्य विभागों की सहायता से भी क्षेत्रीय लोगों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे पलायन को रोका जा सके। कि फिशरीज डिपार्टमेंट फिश पॉइंट बनाकर कैसे जो फार्मर्स हैं, लोकल फार्मर्स, उनकी आजीविका में वृद्धि कर सके, इस पे कवायद हो रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो वाटर हार्वेस्टिंग की स्ट्रक्चर्स है जो अर्बन एरियाज में होती हैं, उस पे भी कवायद की जा रही है। घाटी में वाटर लविंग प्लांट्स जैसे बांज, बुरास, देवदार इत्यादि का प्लांटेशन भी कराया जा रहा है। राइट फ्रॉम ओरिजिन से लेके एंड तक एक पूरे रिवर के लैंडस्केप को ट्रीटमेंट करने का बीड़ा उठाया है। उम्मीद है कि इस रिवर रिजोनेशन से जो पानी कम होता जा रहा है, इसमें जो दर वो रेट ऑफ वाटर रिडक्शन है ये कम होगी, और जो सूख गई स्प्रिंग है उनको हम रिवाइव कर पाएंगे, और भविष्य में नई स्प्रिंग्स भी हो सकता है, क्योंकि जंगल अभी भी बहुत स्पॉन्जी है और फर्न और मॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो भविष्य में हो सकता है कि नई स्प्रिंग्स भी उनका ओरिजिन हो सकता है। जल मानव जीवन का आधार है और प्रकृति इसका मुख्य स्रोत। इस परियोजना से प्रकृति को हुए नुकसान को सुधार कर जल स्रोतों में वृद्धि की जा रही है, जो हेम्बल घाटी के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। उम्मीद है कि नरेंद्र नगर वन प्रभाग द्वारा हेम्बल घाटी में किए जा रहे कार्यों से यहां के गांव एक बार फिर से आबाद हो सकेंगे।